नमस्कार दोस्तों, ये हमारा निचली ज़मीन का हल्दी का खेत है। आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खेत यहाँ से लेकर यहाँ तक है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हमने मापा था तो ये 4 स्क्वायर मीटर एरिया था। आज हम इसमें से हल्दी निकालेंगे और देखेंगे कितना होता है। हम हल्दी को निकालने के लिए गैंता का इस्तेमाल करेंगे। खुरपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन खुरपी से दिक्कत क्या होती है कि इसमें टूट जाता है। इसका ब्लेड पतला होने की वजह से इसमें टूटने का दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, हम लोग निकालना है, यहाँ से निकालना चालू करेंगे। हमारे कुत्तों के बच्चों ने इन्हें बहुत सारी हल्दी तोड़ दी है, इसीलिए थोड़ा निकालने में दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम निकाल देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, ये हल्दी की जड़ है। धूप यहाँ थोड़ी तेज़ है, इसीलिए थोड़ा सही से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देख सकते हैं, ये हल्दी की जड़ है। अब इस तरह से यहाँ गैंता घुसाएंगे। और इस तरह से इसे उसका देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पौधे में से इतनी हमारी हल्दी निकली है। इस साल हल्दी का उत्पादन देखना है कितना होता है। उम्मीद तो नहीं लगते है कि इतना होगा, क्योंकि पिछली बार एक एक पौधा 4-4 फीट का हुआ। देंगे इस बार इतने पौधे बड़े नहीं हुए हैं। तो ठीक है, चलिए देख आधा खेत निकाल करके देखते हैं कितना उत्पादन होता है। तो इस साल हमें 4 स्क्वायर मीटर ज़मीन से इतनी हल्दी की उत्पादन मिली है। ये कम से कम आपका 8 किलो हल्दी होगा ही। बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज उत्पादन मिला है। तो अभी ये जो खाली ज़मीन यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर हमने जहाँ तक धूप आती है, हमने वहाँ तक ये थाले बना लिए हैं। हम यहाँ तक ज़मीन को यहाँ तैयार कर लिए हैं। इसमें हम और आलू लगा देंगे। अभी हमारी पूरी ज़मीन को धूप नहीं आती है सर्दी के दिन में, क्योंकि उधर में दक्षिण में दीवार है एक, और इधर पश्चिम में पेड़ है और पूर्व में भी दीवार है। उसीलिए इधर सर्दी के दिनों में धूप आधा ही जहाँ तक आती है, हमने वहाँ तक ही हम लगा पाते हैं। तो दोस्तों, हमें आधे खेत में से इतनी हल्दी मिली है। अनुमान से ये लगभग ये कम से कम आपका कम से कम ये आपका 1-2 किलो तक तो होगी ही। अब देखते हैं, देखिए इतनी भूमि में से हमें इतनी हल्दी मिली, लेकिन पिछली पिछले साल इतनी भूमि से हमें इससे 2 गुना हल्दी मिली थी। इस बार क्या हुआ ना कि हमने ये कि मैंने जवार समझ करके ये लगा दिया। क्या पता ये क्या था, दिखने में तो जवार जैसे इसके दाने लग रहे थे, लेकिन उगा तो एक बिल्कुल गन्ने की तरह बड़ा बड़ा हो गया और एक दाना भी इसमें जवार नहीं बैठा। इसमें से हमें एक दाना भी नहीं मिला फूटने के बाद। इसके चक्कर में हमारी हल्दी का भी सत्यानाश हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना काम आज इतना पे बंद करते हैं। पूरी पूरी हार्वेस्टिंग के बाद हम आपको बता देंगे कि हम कितनी हल्दी हमें निकली। इस साल हम इसके बगल वाले उस ज़मीन पर लगाने वाले हैं। वो खाली ज़मीन आपको दिखाई दे रही ना, केले के पेड़ के पास, वहाँ लगाएंगे। इस साल हम थोड़ा इसमें ज़्यादा गोबर की खाद डाल करके लगाएंगे। ज़्यादा इसमें गोबर की खाद डाल देने से थोड़ा अच्छा रहता है। और इस बार इसको हम
मूंग के साथ लगाएंगे, मूंग के साथ लगाएंगे, मूंग से हमें नाइट्रोजन मिल जाए, मूंग से हल्दी के लिए नाइट्रोजन मिल जाएगी। 3 हम इसे मार्च में लगाएंगे, मूंग को भी उसी तरह समय लगा देंगे और हमारी मई तक मूंग निकल जाएगी। हल्दी को, हल्दी हमने इस बार ये जाना है कि हल्दी अगर बरसात के मौसम में अगर अकेले ही रहे तो अच्छा रहता है, किसी और पौधे के साथ ना रहे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उसका ख़राब होना पक्का है। असल में बरसात का मौसम ही इसके बढ़ने का मौसम, देख सकते हैं पिछले साल इतनी बड़ी हल्दी, जितनी बड़ी आप देख रहे हैं मेरे हाथ जितनी बड़ी, मेरे उंगलियों से भी ज़्यादा ही बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी हल्दी हर पौधे में ही लगभग में हुई थी, लेकिन इस बार किसी में इतनी बड़ी हुई है, फिर किसी में ऐसी हुई है, तो मिट्टी लगी हुई है, देख सकते हैं, देखिए किसी में ऐसी छोटी छोटी हुई है और किसी में तो हुई भी नहीं है, किसी किसी में तो हुई भी नहीं है हल्दी। अभी हम इसे थोड़ा धूप दिखा करके, इसे हम सुखा करके, हल्का हम इसे सुखा देंगे ताकि जो गीली मिट्टी है ये सूख जाए, उसके बाद इसे हम राख डाल करके किसी चीज़ में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम इसे अप्रैल के महीने में उबालेंगे, अप्रैल के महीने में हम इसे उबाल करके इसका हल्दी बनाएंगे। ये शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस साल हमें 4 स्क्वायर मीटर ज़मीन से इतनी हल्दी की उत्पादन मिली है, ये कम से कम आपका 8 किलो हल्दी होगा ही। बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज उत्पादन मिला है। तो अभी ये जो खाली ज़मीन यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर हमने जहाँ तक धूप आती है हमने वहाँ तक ये थाले बना लिए हैं, ये हम यहाँ तक ज़मीन को यहाँ तैयार कर लिए हैं, इसमें हम मकई लगा और आलू लगा देंगे। अभी हमारी पूरी ज़मीन को धूप नहीं आती है सर्दी के दिन में, क्योंकि उधर में दक्षिण में दीवार है एक और इधर पश्चिम में पेड़ है और पूर्व में भी दीवार है, उसीलिए इधर सर्दी के दिनों में धूप आधा ही जहाँ तक आती है हमने वहाँ तक ही हम लगा पाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाने की कोशिश करेंगे।